व्हाट्सअप गाइस, आज मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 9 की क्लोन स्मार्ट वॉच आ चुकी है जिसका नाम है C81 Pro Max स्मार्ट वॉच। अगर आपको 1500 में एप्पल वॉच का फील है तो आप इस स्मार्ट वॉच को 100% परचेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स मिलने वाले और गाइस आपको 100% सेम लुक एंड डिजाइन मिलने वाला है। बस आपको बहुत ही एडवांस डायनामिक आइलैंड मिलने वाला है, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और उससे पहले स्मार्ट वॉच का पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले, इन सारे फीचर्स को वन बाय वन टेस्ट करने वाले, जिससे कोई साइड डाउट्स क्लियर हो जाएगी, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाद में परचेस करना। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, ये स्मार्ट वॉच का बॉक्स है। यहाँ पे बॉक्स की इस साइड में सीरीज 9 लिखा हुआ मिलता है और गाइस 45mm स्मार्ट वॉच है। और गाइस ये हमारी क्लोन स्मार्ट वॉच है, लुक आपको 100% सेम मिलने वाला है। प्लस आपको बॉक्स के अंदर ऑरेंज एंड ब्लैक आपको दो सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिल जाएंगे। साथ में वायरलेस चार्जर मिलने वाला है स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए, और आपको मिल जाएगा यूजर मैनुअल जिसकी कोई हमें जरूरत है नहीं। सो गाइस, अभी मैंने स्मार्ट वॉच को पहन लिया एंड फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छे है। लुक एंड फील आपको 100% एप्पल वॉच की तरह मिलने वाला है। यहाँ पे आपको देखने से पता नहीं चलेगा ये ओरिजिनल स्मार्ट वॉच है तो एप्पल वॉच की क्लोन कॉपी है। 100% सेम लुक मिलने वाला है आपको। स्मार्ट वॉच में स्क्वायर शेप में डायल मिलने वाला है और गाइस स्ट्रैप की फिटिंग काफी अच्छी है। सो आप इस वॉच को आराम से ओल्ले पहन के रख सकते हो। यहाँ पे आप दूसरे भी लुक चेकआउट कर सकते हो। लुक आपको बहुत ही डिसेंट मिलने वाला है। प्लस आपको दो स्ट्रैप्स मिलने वाले ऑरेंज एंड ब्लैक। ऑरेंज में काफी अच्छा लुक मिल जाएगा। अभी मैंने इसको ब्लैक अटैच किया हुआ है। आपको हर एंगल में डिजाइन सेम एप्पल वॉच सीरीज 9 की तरह मिलने वाली है। बस आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलने वाला है, जिससे आपको और भी प्रीमियम लुक मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिशिंग आपको बहुत ही सुपर मिलने वाली है। पूरी आपको एल्यूमिनियम एलो की बॉडी मिलने वाली है और आपको बैक से प्लास्टिक बैक मिलने वाला है। प्लस आपको 22mm के सिलिकॉन स्ट्रैप मिलने वाला है। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप इस स्ट्रैप को इस तरह से बहुत ही आराम से रिमूव एंड फिर से अटैच कर सकते हो। यहाँ पे को राइट साइड में एप्पल वॉच की तरह दो बटन्स एंड माइक मिलता है। लेफ्ट साइड को स्पीकर एंड एक्शन बटन मिल जाएगा और आपको बैक से सारे सेंसर्स एंड वायरलेस चार्जिंग मिलने वाला है। एडिशनली स्मार्ट वॉच में IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग मिलने वाला है। सो आप इस स्मार्ट वॉच को ऑल वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो, शाम के टाइम यूज कर सकते हो। स्मार्ट वॉच को आप अंडर वाटर भी यूज कर पाओगे, आपकी स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगी। नेक्स्ट हम स्मार्ट वॉच को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 मिलने वाला है। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हो इस तरह से स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको अपने फोन में RDFit एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जबको एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे को डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच आ जाएगी। सिंपल को क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको पैर के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से इसे कॉलिंग फंक्शन भी एनेबल हो जाएगा। सो बहुत ही फास्ट आप कनेक्ट कर पाओगे। साथ में आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिल जाएगी। आपको स्मार्ट वॉच में 2.1 इंच IPS HD डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें को 320x240 पिक्सल जो से मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेजल्स आपको मिनिमल मिलने वाला है। पूरा आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। कलर्स आपको वाइब्रेंट मिलने वाला है। बस आपको टच स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। बहुत ही इजीली आप डिफरेंट में नेविगेट कर सकते हो। डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलती है। अगर हम बात करें ब्राइटनेस के बारे में, आप इस तरह से ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले मिलने वाली है। सो आप इस स्मार्ट वॉच को बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में यूज कर पाओगे। प्लस आपको बहुत ही एडवांस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिलने वाला है, जिससे पूरा आपको एप्पल वॉच का फील मिल जाएगा। सो गाइस, आपको ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में 220mAh की बैटरी मिलने वाली है। मैंने चेक किया, इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 4 to 5 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो, अगर आप स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज करते हो, कॉलिंग के साथ यूज करते हो, फिर भी आपको आराम से 3 to 4 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, जो ओरिजिनल एप्पल वॉच से भी ज्यादा बैटरी लाइफ है। सो काफी अच्छा बैटरी लाइफ मिल जाएगा। और नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का कॉलिंग टेस्ट करने वाले, वो भी लाइव कॉल डायल करके, वो भी स्मार्ट वॉच के वॉइस असिस्टेंट का यूज करके। इस तरह से मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑन हो जाएगा। हे सिरी कॉल मम्मी। जो कॉल लग चुका है, वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। हेलो, वर्षा चालू है कि बंद है? ये ना वर्षा चालू है, फुल चालू। हाँ हाँ, अने ओला बराबर हो क्या? वहाँ तो नहीं, थोड़ा नीचे आऊँ। हाँ हाँ, बाहर हवाई हूँ ना। हाँ, सो आप इस तरह से कॉलिंग कर सकते हो। कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छे, वॉल्यूम काफ़ी को हाई एंड क्लियर मिलने वाला है। सो आप इस स्मार्ट वॉच की ऐप से बहुत ही आराम से इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में कॉलिंग कर पाओ। और कई स्मार्ट वॉच का UI काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे को फीचर्स मिलने वाले, प्लस इजी टू यूज है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं स्मार्ट वॉच का UI भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में वेक अप फीचर मिलने वाला है, जो बहुत ही एक्यूरेट काम करते हैं। आप इस बटन को प्रेस करके स्मार्ट वॉच को इस तरह से ऑन अप कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शनल क्राउन मिलने वाला है।
सिंपल आप इस तरह से रोटेट करके स्मार्ट वॉच के वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में 100 प्लस वॉच फेस मिलने वाला है, इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे को एप्लीकेशन में जाना है, नेक्स्ट आपको मॉल के ऊपर क्लिक करना इस तरह से, यहाँ पे को बहुत सारे वॉच फेस मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप डायल स्टाइल चेंज कर सकते हो, सारे हेल्थ फंक्शन चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे को क्लिक करना है। सो गाइस आप अपने स्मार्टफोन के एल्बम में से किसी भी फोटो का आप सिलेक्ट करके उसको अपने वॉच फेस की तरह यूज़ कर सकते हो, जब काफ़ी अच्छा फंक्शन बन जाएगा। और गाइस यहाँ पे को बहुत ही एडवांस डायनामिक आइलैंड मिलने वाला है, यहाँ पे को सारे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है नो न्यूज़, यहाँ पे को सब कुछ मिलने वाला है, जो बहुत ही एडवांस फीचर है। जैसे आप स्टार्ट करते हो इस तरह से पूरा कोई रिसेंट टास्क मिलने वाला है, ऐसा पूरा रिसेंट टास्क देख सकते हो, उसको क्लियर भी कर पाओगे, क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली, आप यूज़ कर पाओगे। और गाइस स्वाइप अप करते पूरा कंट्रोल सेंटर आपको मिलने वाला है, ऐसा पूरा स्मार्ट को कंट्रोल कर पाओगे, जो आपके काफ़ी अच्छा फंक्शन बन जाएगा। जैसे लेफ्ट स्वाइप करते हो आपको मिलता है हार्ट रेट, नेक्स्ट आपको मिलता है बीपी, नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ऐड हो जाएगा, बहुत ही आराम से ऐड कर पाओगे। और गाइस यहाँ पे को एक्शन बटन मिलने वाला है, इसको प्रेस करते आपका स्पॉट्स फोन इस तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्मार्ट में मल्टीपल स्पॉट्स फोन मिलने वाला है, इसको पूरा यूज़ कर सकते हो। अभी हम किसी मोड को ऑन करते हैं, चलो अभी हम ऑन करते हैं रनिंग को, ऐसे ऑन हो जाएगा। 3, 2 and 1, देखो ऑन हो चुका है। यहाँ पे कोई टाइम मिलता है, बीपीएम, कैलोरी काउंट, स्टेप काउंट, डिस्टेंस, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मैं स्वाइप करता हूँ और ऐसे मोड को क्लोज कर सकते हैं, हम सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, आपका मोड ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और गाइस आप इस बटन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे को सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे को क्लिक करना है की डेफिनेशन के ऊपर, मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस बटन का फंक्शन चेंज कर सकते हो, लाइक आप हार्ट रेट, बीपी, एसपीओटू, स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे अटैच हो चुका है, जैसे इसको प्रेस करते हैं आपका एसपीओटू ओपन हो जाएगा, तो पूरा कस्टमाइज कर पाओगे इस तरह से। और जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं आपका मेनू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाले, इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे को एप्लीकेशन में जाना है, नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना इस तरह से, इसे पूरा ऑन ऑफ कर पाओगे, जो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, पूरा कस्टमाइज कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है कॉल, ऐसा कॉलिंग कर सकते हो, या कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो बहुत ही आराम से ऐप की हेल्प से। नेक्स्ट अकाउंट का कॉलिंग हिस्ट्री पूरा को हिस्ट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट अकाउंट का डायल प्रेस अगर डायल पर ओपन हो जाएगा, ऐसे कॉल डायल हो जाएगा, तो बहुत ही डायल कर सकते हो इस तरह से, कॉल तो ऐसे कट हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट का कॉल सेटअप, ऐसे कॉल को म्यूट कर सकते हो, वाइब्रेशन ऑन कर सकते हो, वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर पाओगे, पूरा ऐसे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे मैं SOS में क्लिक करता हूँ, आप SOS कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर पाओगे। और गाइस आपके और एक फंक्शन है, ये सब इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो इस तरह से आपको SOS ऑन हो जाएगा। तो SOS ऑन हो चुका है, तो ऐसे ऐसे उसको ऑफ भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा फीचर बन जाएगा। देखो स्टॉप हो चुका है। नेक्स्ट अकाउंट एक्सरसाइज को जो आगे देख लिया, नेक्स्ट अकाउंट एक्टिविटी, यहाँ पे आपको स्टेप काउंट, कैरी काउंट, डिस्टेंस सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम मिला है, यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, हार्ट रेट चेक कर सकते हो, बीपी चेंज कर सकते हो, एस्पेक्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है वेदर इन्फॉर्मेशन, आपको वेदर फोरकास्ट मिलने वाला है, वेदर एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है मोशन ट्रैक, वो भी कर पाओगे हेल्प से, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको कैलेंडर मिलने वाला है, क्यूआर कोड मिलने वाला है, ये आप ऐड कर पाओगे ऐप की हेल्प से। कैलकुलेटर मिलने वाला, टाइमर, स्टॉप वॉच, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा है। फाइन फोन में क्लिक करता हूँ, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, आपके फोन में स्टार्ट होगा इस तरह से, उनको फाइन कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छा फीचर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको कैमरा कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे आपको सीरी मिल जाएगी, वॉइस असिस्टेंट मिलता है, आपको गेम्स मिलने वाली है, 2 गेम्स आपको मिल जाएगी, टाइम पास करने के लिए अलार्म मिलता है। नेक्स्ट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से डायनेमिक आइडेंटिटी इस तरह से ऑन ऑफ कर पाओगे। एप्लीकेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मैं क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हो, पूरा चेंज कर पाओगे। स्क्रीन टाइम को आप चेंज कर सकते हो, गेस्ट कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो, बटन सजेस्ट कर सकते हो, डिंडिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। एप्लीकेशन वाइब्रेशन में क्लिक करता हूँ, इसको आप इंटेंसिटी को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर पाओगे। नेक्स्ट आपको ड्रेन ऑफ में क्लिक करता हूँ, आपको इस तरह का साउंड सुनने को मिलेगा, जिससे स्पीकर सारा पानी बाहर आ जाएगा, तो पानी भी निकाल सकते हो इस तरह से। यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हो, कनेक्ट फोन, ऐसा ऐप डाउनलोड कर पाओगे। पावर सिम को ऑन ऑफ कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, टाइम सेटिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा NFC, आपको NFC मिलने वाला है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐप से एनेबल कर पाओगे। यहाँ पे समझो सॉरी फैक्ट्री सेट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, बट मेरे को अच्छी वैसा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं ऐसे बैक करता हूँ, लास्ट में कमता स्टाइल में क्लिक करते हैं, ऐसे मेनू स्टाइल चेंज कर सकते हो, बहुत से कुछ स्टाइल मिलने वाली, इसे पूरा चेंज कर पाओगे। सो काफी अच्छा कोई UI मिल जाएगा। सो गाइस सब को स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपको एप्पल वॉच के सीरीज 9 की क्लोन स्मार्ट वॉच परचेस करनी है, इसको आप 100% परचेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स मिलने वाले, लुक आपको सेम टू सेम मिलने वाला है, बस आपको डायनामिक आइलैंड मिलने वाला है। सो काफी जी स्मार्ट वॉच है, प्राइस भी काफी को अफोर्डेबल मिल जाएगी। सो गाइस आपको परचेस तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सीधा परचेस कर सकते हो। और कोई यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो में पा